स्टूडेंट टीवी नेटवर्क्स में आपका इस्तकबाल है और मैं आपका होस्ट सैयद उस्मान अली। कांग्रेस की सीनियर लीडर मोहतरमा शिराज खान ने आज कितने ही रुकावटों के बावजूद मेहदीपट्टनम चौराहे पर शहरियत तरमीमी मतनाज कानून के खिलाफ एहतजाज करने में कामयाब हुई। तो आइए देखते हैं इस एहतजाज की एक झलक। संविधान बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। तो इस तरीके से पुलिस हमारा कोऑपरेट कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद साथियों, मैं शिराज खान, एक सामाजिक कारकुन और सीनियर कांग्रेस लीडर। आज मेहदीपट्टनम पे जहां पर वुमेन प्रोटेस्ट रैली को बार बार दिगर तंजीमों के द्वारा जो परमिशन नहीं मिला है और जहां पर हमने बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ, अपील के साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमने पेटिशन दायर किया था कि हमें आर्टिकल 19 के तहत ये एहतजाज करने का पूरा इख्तियार है और पूरा हक है। उसी के तहत हमने दोबारा मेहदीपट्टनम में एहतजाज करने का ऐलान किया है, जहाँ पर आज हम यहाँ जमा हुए हैं CAA, NRC और NPR के मुखालिफ, जो विरुद्ध देश भर में हो रहा है। महज इसका एक ही मकसद है कि मोदी और अमित शाह की जो भाजपा सरकार है वो इस काले कानून को वापस ले, लेकिन वो लोगों की जिद जो है कि एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। यकीनन वो यही चाहते हैं कि देश की जनता परेशान हो और देश की जनता के ऊपर जुल्म थाने का वो मुकम्मल इरादा कर चुके हैं। लेकिन मैं आम जनता से, तेलंगाना की अवाम से ये अपील करना चाहती हूँ कि आर्टिकल 19 आपको एहतजाज करने का पूरा इख्तियार और मौका देता है। आप पीसफुली सड़कों पर निकलिए और सड़कों पर उतरिए, जहाँ पर रियासत तेलंगाना CM साहब ने ये बार बार ऐलान किया था कि NPR की इम्प्लीमेंट या प्रोसेस को तेलंगाना में नहीं लागू होने देंगे। लेकिन बड़े अफसोस और तकलीफ के साथ इस बात का इजहार करना पड़ रहा है हमारे प्रोटेस्ट के जरिए कि CM KCR साहब भी झूठा साबित हो चुके हैं। जिस तरीके से मोदी बार बार झूठ बोलकर आज जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसी के तहत हम हमारी अपील एक CM साहब से ये करना चाहते हैं कि आप 4 करोड़ अफवाह को गुमराह ना करें। KCR साहब, ऐसी सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन हम अवाम आपका साथ देकर आपको CM बनाए हैं। और 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे आपके डायरेक्शंस, आपके कलेक्टर से मीटिंग्स सामने आ चुकी है और यही बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से NPR या हाउस रेटिंग या सेंसर का जो पॉपुलेशन है वो अमल में लाया जाएगा, जिसके तहत आज हमारे तेलंगाना की अवाम और खवातीन, बच्चे बूढ़े सारे लोग बहुत परेशान है अपने कागज को लेकर, अपने डॉक्यूमेंट को लेकर। कहां से हम सबमिट करेंगे 31 कॉलम आपके, आप 31 कॉलम में क्या क्या पूछ रहे हैं, कहां से लाया जाएगा ये सारा ये डाटा और डिटेल, ये बहुत ही जुल्म और ज्यादती है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि हमारी तादाद ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर निकलिए। जिस तरीके से KCR साहब ने तेलंगाना एजुकेशन करके ही तेलंगाना रियासत को अहलादा पाया था, उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारी बहनें ज्यादा से ज्यादा और हर बार जब भी यहाँ का प्रोटेस्ट होगा खवातीन के लिए, तो आप बाहर आइए,
क्योंकि अब पुलिस का कोई डर नहीं है, पुलिस कोई केसेस नहीं बुक करेगी, क्योंकि ये हमारा